वो कहते हैं कि किस्मत इंसान की जिंदगी कब बदल दे ये कोई नहीं जान सकता। ऐसा ही हुआ है पश्चिम बंगाल के भुवन बदायकर के साथ। भुवन कच्ची मूंगफली गांव-गांव जाकर बेचते हैं। मूंगफली बेचने का उनका अलग अंदाज है। गाना गाकर आवाज लगाते हैं। इनके गाने को किसी ने रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर डाल दिया, जिसके बाद उनके द्वारा गाया गया कच्चा बादाम गाना तेजी से वायरल हो गया। गुरुवार को भुवन आगरा ताज महोत्सव पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने अंदाज में कच्चा बादाम गाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। आगरा शिल्पग्राम में ताज महोत्सव चल रहा है। ताज महोत्सव पर हर रोज नए नए कलाकार मंच साझा करते हैं। गुरुवार रात्रि को कच्चा बादाम गाना गाने वाले भुवन पहुंचे। बेसब्री से भुवन का आगरा की जनता इंतजार कर रही थी, और जैसे ही भुवन स्टेज पहुंचे, लोगों का हुजूम उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। कच्चा बादाम गाने पर शहरवासियों ने जमकर ठुमके लगाए। भुवन की एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब दिख रहा था। मीडिया से बात करते हुए भुवन ने बताया कि आगरा में लोगों का बेहद प्यार उन्हें मिला। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके चाहने वाले आगरा शहर में भी हैं। परफॉर्मेंस के बाद लोग भुवन के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बेताब थे। हर कोई उन्हें अपने मोबाइल में कैद करना चाहता था। कई लोग मौके पर भुवन के साथ इंस्टाग्राम पर रील बनाने की होड़ में भी दिखे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।